तो कैसे आप सभी? क्लास 10 की जो इकोनॉमिक्स की किताब थी हमारी कंप्लीट हो गई। पहले हम लोग बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे सिग्मा वाइज इकोनॉमिक्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो क्लास 11 का चैप्टर 1 है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं, है ना? देखिए, सबसे पहले ये समझना है आपको कि भारत, एक विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस ने बोला था 1894 में, ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, उन्होंने बोला था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारा साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है कि आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान संरचना का कोई आज का नहीं है, इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, है ना? विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश की अगर बात की जाए, और औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास को अगर हम लोग ध्यान पर यहाँ दें तो हमें कुछ चीज़ों पर बड़ा ध्यान देना होगा, है ना? वो देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे समझिए, अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं, सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं से के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर का जो है कलात्मक के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। बंगाल के सूती उद्योग के मैं बता दूं कि मलमल का एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इस मूल निर्माण जो है इसका क्षेत्र जो है बंगाल है, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था इसका। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि ये वे इसे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे, है ना? तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में मूल रूप को बदल दिया। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने वहाँ तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश का राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियाँ और आपसी मतभेद थे और भी रहे हैं। तो इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फैंडले सिराज, डॉक्टर वीके आर वी राव तथा आर सी देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2% से कम हो रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रह गई है। तो ये सारा चीज़ था। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कृषि क्षेत्र को लेकर। देखिए, पहले समझिए पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि का क्या हाल था, है ना?
17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है कि अपने 2 बार भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र, ये कौन बोल रहा है, ये बर्नियर ने बोला था कि मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ पर अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुयत्न श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। 17वीं शताब्दी में अपने देश के कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए, है ना। तो आपको थोड़ा ये, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर आए तो उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए। ये आपको क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक बड़ी जनसंख्या के व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन की विकास प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर इसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट के अनुभव हुए। हाल भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही है। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदारी हड़प लिया करते थे, हड़प लिए जाते थे। तो किसानों के पास कुछ नहीं बचता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था के शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादक के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों के दुर्दशा को बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिले हैं, किंतु उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के साथ स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों उगना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे, न ही तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा। औद्योगिक क्षेत्र की अगर आप बात करें, खास करके मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, है ना। वन सेकेंड, थोड़ा रुकेंगे। हाँ, देखिए क्या था, एक कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश के विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस भी औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसी आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभ पूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया।
यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी हुई रही। प्रारंभ में तो ये विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिले प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और यह देश के पश्चिमी क्षेत्रों आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी, है ना। तो पटसन उद्योगों की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है, माफ़ कीजिएगा, या तो ये विदेशियों को ही दिया जा सकता है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें जो है ना, बड़ा आपको ध्यान देना है, जो कि कुछ लोगों को समझने में बड़ा दिक्कत होती है। देखिए, यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी जो हैं, अब जो है उनके बारे में बोलूँ तो सीमेंट कागज़ आदि के कारखाने भी स्थापित हुए। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी के द्वारा जो है ऐसा किया गया। किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन या तत्कालिक उपभोग में काम आने वाले वस्तुओं को उत्पादक ने उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माण शालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू देशी उत्पाद, या फिर हम बोल सकते हैं सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यही थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा, है ना। तो अब ये ध्यान देना कि वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलवे, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों, कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अब अगला है विदेशी व्यापार, इस बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। है ना, विदेशी व्यापार को लेकर देखिए, सबसे पहले समझिए, प्राचीन समय से भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई, जिसे हम बोल सकते हैं, वस्तु उत्पादन व्यापार और द्वीप सीमा शुल्क के प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत उच्च उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया, है ना। साथ ही सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया, है ना। तो व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर व्यापार अपना अधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीनी, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष को भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और बीटी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग अंग्रेजों के भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। जनांकीय परिस्थिति की अगर बात की जाए, है ना, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे के सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। और सबसे पहले तो ध्यान देना है कि स्वेज नहर यानी भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग के रूप में एक प्रयुक्त स्वेज नहर था, है ना। स्वेज नहर मतलब किसको, यह स्यूज कैनल को बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है, जो भूमध्य सागर और जो है ना इधर यूरोप के बीच में जो है ना जो भूमध्य सागर से होकर गुजरती है, वही से स्वेज नहर के नाम से जाना जाता है, जो अरब सागर से होते हुए मुंबई एयरपोर्ट या इधर आती है पश्चिमी समुद्री तट पर भारत का। तो स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार, देखिए स्वेज नहर उत्तर पूर्व मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर के मिस्र पतन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों की दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है।
अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर का आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई, भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। लेकिन वहीं पे आपको ध्यान देना है कि इसकी कुछ सीमाएं थी। फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या, जो मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या का जो किया गया था सर्वे, तो जनसंख्या संवृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता था, किंतु उस समय तक न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी संवृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी वहाँ नितांत की अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति 1000 हो गई है, बट उस समय तो ये तो दर 218 प्रति 1000 थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई है ना। तो व्यवसायिक संरचना की अगर आप बात करें, देखिए औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र को में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र को में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु और आंध्र कर्नाटक केरल प्रांतों के क्षेत्रों को माना जाता था। मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल के कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब राजस्थान उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धियाँ की गई, विकास हुआ। इसका ध्येय जनसमान को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे, है ना। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयोग नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से उच्च कच्चे मालों का निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तथा माल पहुँचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण है ना हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों के जीवन अधिक कठिनाई के कारण दुभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था के संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों की भू क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं कराने का अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इसी व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो मुंबई तथा थाने को जोड़ने वाला पहला रेल पुल 1854 में बना था। भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापार होते हुए भी देश के आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्ग के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु यह उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा के तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यदि भी इस नहर का निर्माण सरकारी जो है कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जल मार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाओं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर 8 में।
लेकिन निष्कर्ष यही है, पहले तो समझिए कि टाटा एयरलाइंस यानी टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी का स्थापना से 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई थी, ये ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों तक विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय जो है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपना पैठ बना चुका था, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और या कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था, उसकी उत्पादकता का स्तर बहुत कम था, औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार में तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित किया जा रहा था, और प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सभी सहित सभी आधारिक संरचना में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी में सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जल कल्याणमुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में अगर बोला जाए तो देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत अधिक थी उस समय। तो इस प्रकार हमारी ये चैप्टर कंप्लीट होती है, और मैं मेंस का कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि माफ़ कीजिएगा मुझे याद नहीं पड़ा टाइप करने के लिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था और उन नीतियों के प्रभाव क्या हुए, है ना। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ, क्या आप इस विचार से सहमत हैं, अपने उत्तर में पक्ष कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमी की आलोचनात्मक विवेचना करें, है ना, ये चीज तो होगी आपका। अब ये इसी के साथ अपना चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।